नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का, उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश आज सुबह की बड़ी खबरें। नवी में 13 साल से भी कम उम्र के विद्यार्थियों को हो सकेगा प्रवेश। आपको बता दें प्रदेश के स्कूलों में नवी कक्षा में 13 साल से भी कम उम्र के विद्यार्थियों का प्रवेश हो सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को नवी के नामांकन में उम्र के बंधन में छूट दे दी है। शासन ने पिछले साल के नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम सिर्फ 2024-25 के लिए मान्य हो गए। इस संबंध में मंत्रालय ने आदेश जारी हो गए हैं। अब 13 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को नवी में नामांकन हो सकेगा। पिछले साल भी मासिम ने नवी में 13 वर्ष की उम्र का नियम लागू किया था, जिसे राज्य शासन ने नियमों में शिथिलता देते हुए छूट दी थी। दरअसल मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष की है। इसके अनुसार मासिम भी नवी के नामांकन में न्यूनतम आयु 13 साल या उससे ज़्यादा ही की है। राजधानी में गरज चमक के साथ मध्यम वर्षा की संभावना। आपको बता दें मानसून द्रोणिका वर्तमान प्रदेश के रायसेन जिले से होकर गुजर रही है। इसके अलावा 3 अलग अलग स्थानों पर मौसम प्रणिया भी बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से कुछ नमी के मिलने के कारण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। हालांकि बंगाल की खाड़ी अथवा अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र नहीं बनने के कारण प्रदेश में कई भी लगातार झमाझम वर्षा की स्थिति नहीं बन पा रही है। मंगलवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक इंदौर में 10, ग्वालियर में 7, बैतूल और रतलाम में 4, मंडला में 3, धार में 2 एवं मलाजखंड में 1 मिलीमीटर वर्षा हुई। अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, इंदौर संभाग के जिलों में मध्यम स्तर वर्षा होने की संभावना है। इससे क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। बता दें कि 1 जून से लेकर अभी तक प्रदेश में कुल 209 में भी वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा की तुलना में 2% कम है। NSUI का बड़ा आरोप आज भी जारी है। नर्सिंग घोटाला। आपको बता दें नर्सिंग घोटाले को लेकर राष्ट्रीय भारतीय छात्र संघ यानी NSUI ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। NSUI नेता और नर्सिंग घोटाले के विशेल रवि परमार ने दावा किया कि आज भी डिप्टी CM और मंत्री राजेंद्र शुक्ल और अधिकारियों के संरक्षण में प्रदेश में नर्सिंग घोटाले हो रहा है। रवि ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 2021 में जिन कॉलेजों में प्रचार और फैकल्टी न होने के अभाव में मान्यता एवं समझता खत्म कर दी गई है। 4 जुलाई 2024 को इनमें से 8 कॉलेजों को एक बार पुनः मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा समझता दे दी गई है, जो प्रदेश के छात्रों के साथ छलावा है। पतंजलि ने 14 उत्पादों के लाइसेंस रद्द होने के बाद बिक्री पर रोक लगाई। आपको बता दें पतंजलि आयुर्वेद ने कहा है कि उसने उन 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है जिनके लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने रद्द कर दिए थे। पतंजलि ने यह जानकारी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली के दस्ता वाली बेंच को दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित भ्रम विज्ञापन मामले में वकील सादान परासद को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। कोर्ट को बताया गया कि IMA के अध्यक्ष अशोक ने कोर्ट को लेकर दिए गए अपने बयान के बिना शर्त माफी मांग ली है। कोर्ट को सूचित किया गया कि उत्तराखंड की आयुष विभाग द्वारा हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। हाथरस 7 दिन बाद योगी सरकार की कार्रवाई। भगदड़ हादसे में बड़ा एक्शन, 6 अधिकारी सस्पेंड। आपको बता दें हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ मामले में SIT की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को बड़ा एक्शन लिया। हादसे के 7 दिन बाद 121 लोगों की मौत के मामले में सिकंदरा राव SDM, CO और तेसला समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। SIT ने 300 पेज की रिपोर्ट में कार्यक्रम के मुख्य आयोजक को मुख्य जिम्मेदार माना है। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी की भी जवाबदेही तय की गई है, जिन्होंने आयोजन गंभीरता से नहीं लिया। रिपोर्ट में कहा गया कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसकी जांच होनी चाहिए। मासूमों की मौत दर्दनाक, बम गोली से नहीं आएगी शांति। आपको बता दें यूक्रेन के मुद्दे पर हमेशा से रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने स्पष्टता से अपनी बात रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार कीव स्थित बच्चों के अस्पताल पर हुए रूसी हमले में मारे गए बच्चों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के साथ हुए 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में ये बात उठाई और एक दिन पहले पुतिन की तरफ से आयोजित रात्रि भोज में ये मुद्दा उठाया। शिखर सम्मेलन में मोदी ने कहा कि जब युद्ध में मासूम बच्चों की मौत होती है तो हृदय छलनी हो जाता है और ये दर्द बहुत भयानक होता है। पुतिन को मोदी का साफ संदेश था कि बम बंदूक और युद्ध से शांति नहीं आ सकती। मोदी 8 जुलाई को शिखर सम्मेलन के लिए मॉस्को पहुंचे और उसी दिन यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के अस्पताल पर रूसी हमले में कई बच्चों समेत 36 लोग मारे गए। विधायक अपने क्षेत्र में विकास के लिए अगले 5 वर्ष का रोड मैप करे तैयार। आपको बता दें प्रदेश के विकास के कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास को आगामी 5 वर्षों में किस तरह से डबल किया जा सकता है, इसको लेकर मंगलवार को
समत भवन में रीवा शेड्यूल संभाग के भाजपा विधायकों से चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभी विधायकों को आगामी 5 वर्षों में उनके क्षेत्र के विकास को लेकर खाका तैयार करने की बात कही है। उन्होंने विधायकों को आगामी दिनों में ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहने की नसीहत दी है। डॉक्टर यादव ने विधायकों से चर्चा के दौरान उनके क्षेत्र में केंद्र व प्रदेश की जनहितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर इन योजनाओं से क्षेत्र की जनता को मिलने वाली लाभ तथा भविष्य में इन योजनाओं को किस प्रकार नीचे तक ले जा सकता है इसको लेकर विचार विमर्श किया। किड़े ने ट्रांसप्लोट रैकेट का भंडा फोड़, 7 गिरफ्तार। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने एनसीआर के बड़े निजी अस्पतालों में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय किडनी ट्रांसप्लोट रैकेट का भंडा फोड़ किया है। सरिता बिहार स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल की किडनी ट्रांसप्लोट सर्जन डॉक्टर डी विजय राजकुमारी और रैकेट के सरगना समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सरगना समेत 3 आरोपी बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जबकि 2 अन्य आरोपी डॉक्टर विजया के नर्सिंग कर्मचारी है। इस किडनी ट्रांसप्लोट रैकेट में अपोलो अस्पताल प्रबंधन की भूमिका है या नहीं, इसकी पुलिस जांच कर रही है। ये रैकेट दिल्ली और नोएडा के अस्पतालों में कारोबार चला रहा था। उन दोनों जगहों से पकड़े गए आरोपियों से ही जांच के दौरान दिल्ली में चल रहे इस रैकेट की सूचना मिली और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रैकेट के तार कुछ महापुर, गुरुग्राम और जयपुर में पकड़े गए बांग्लादेशी गिरोह से भी जुड़े हैं। डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि 16 जून को क्राइम ब्रांच की टीम ने रैकेट के सरगना रसेल समेत रोकोन और सुमोन मियां को दिल्ली के जसोला से गिरफ्तार किया। तीनों बांग्लादेश के नागरिक है। इनसे पूछताछ के बाद त्रिपुरा निवासी रसेल को पकड़ा गया है। 15 दिन के लिए हटेगा अब तबादलों से प्रतिबंध। आपको बता दें, प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले से लगा सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के तबादले पर प्रतिबंध। अब सरकार जल्द हटाने की तैयारी कर रही है। 15 दिन के लिए सभी विभागों को प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादले करने की अनुमति रही। किसी भी संवर्ग में 20% से अधिक तबादले नहीं किए जा सकेंगे। इसके लिए तबादला नीति का प्रारूप भी तैयार किया जा रहा है। सीएम मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद नीति को अंतिम रूप देंगे। प्रदेश में वर्ष 2021 में तबादला नीति घोषित की गई थी। तब जुलाई में 1 माह के लिए तबादले से प्रतिबंध हटाया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री समन्वय के माध्यम से तबादले होते रहे। नीति घोषित नहीं की गई वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची की तैयारी के चलते निर्वाचन कार्य से सीधे जुड़े कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, शिक्षक और पटवारियों के स्थानांतरण प्रतिबंध लगा दिया। उन अधिकारियों को जरूर स्थानांतरित किया गया जो 3 वर्ष से एक स्थान पर पदस्थ थे। वही प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के लिए भी अपनाई गई। 1 हेक्टेयर में 18 क्विंटल मूंग का उत्पादन पर 8 क्विंटल ही खरीदी। आपको बता दें, अच्छा काम करने पर प्रोत्साहन मिलता है, पर मध्य प्रदेश में मूंग की पैदावार में रिकॉर्ड बनाने वाले किसानों के साथ उल्टा हो रहा है। इन्हें प्रति क्विंटल 2000 रुपये के घाटे की सजा भुगतनी पड़ रही है। इस बात से नाराज किसानों ने प्रदेश भर में आंदोलन की चेतावनी दी है। जबलपुर, नर्मदापुरम और हरदा के किसानों ने इसकी शुरुआत भी कर दी। प्रदेश के नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, हरदा, बैतूल, छतरपुर समेत 32 जिलों में किसानों ने गर्मी की मूंग की फसल ली। इस बार प्रति हेक्टेयर 16 से 18 क्विंटल उत्पादन रहा है। 1 जुलाई से 8,558 रुपये समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है, जिसमें प्रति हेक्टेयर 8 क्विंटल की खरीदी लिमिट तय कर दी है। इस कारण किसान 1 हेक्टेयर में पैदा हुई बाकी की 8 से 10 क्विंटल मूंग समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पा रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।